जी, मेरे पास जी मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास 25 से 30 स्टॉक्स हैं और उसमें 80% मैं प्रॉफिट में हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमको मतलब आइडियली कितने स्टॉक्स अपने पास रखने चाहिए और मतलब एग्जिट कब करना है, ये कैसे हम निश्चित करें। तो कितने जैसे स्टॉक आप एक्टिवली ट्रैक कर सकते हो? जैसे अभी जितने हैं उतने तो मैं ट्रैक कर रही हूँ रेगुलर। तो अगर कन्वीनियंट है, ट्रैक कर पा रहे हो, नजर रख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो उनके बारे में, उनकी जानकारी हासिल कर पा रहे हो, इवैल्यूएट कर पा रहे हो, तो आपकी मर्जी, वो आपके हाथ के, आपकी स्किल सेट्स हैं। पर आज तक एक आइडियल पोर्टफोलियो, एक जमाने में कहते थे 10 का, 10 के जमाने तो लद गए, अब तो सेक्टर एक्सपोजर ही लूं तो 10 से ज्यादा स्टॉक वैसे हो जाते हैं पोर्टफोलियो में। पर आइडियली हेम से कोई पूछे कितने स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो में, तो आप लोग क्या जवाब देते हो? सी देखिए, हम लोग क्योंकि खुद पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो 30 बहुत हो जाते हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टॉक्स के टीम होती ज्यादा है हो आपके जाता है। पास? तो वो 25-30 तो मैम मेरे हिसाब से मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा स्टॉक्स रखेंगे तो थोड़ा सा ट्रैकिंग में भी मुश्किल होगी। तो एक चीज का जरूर आप ध्यान रखिए, दूसरा एग्जिट जरूर मैम करते रहिए। और उसके लिए कैसे एग्जिट करेंगे कि आप ट्रैक करते रहिए कंपनी में चल क्या रहा है, जैसे कि नतीजे आ गए, कोई न्यूज आ गई। और आजकल सब पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ ऐसा नहीं है। बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, सारे नतीजे आते हैं। हर क्वार्टर के नतीजे जरूर देखते जाइए, क्योंकि अगर नतीजों में खराबी आई तो वहां पे मार पड़ती है स्टॉक को, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर प्रॉफिट में है, नतीजे खराब है, तो फॉर द टाइम बीइंग चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी आप जरूर अडॉप्ट करिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सो मैम, आप अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखिए, न्यूज पढ़ते रहिए, कंपनी के नतीजों में नजर बना के रखिए, और उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा एग्जिट स्ट्रेटेजी जरूर अपनाइए। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बुक जरूर करिए। भाई आस्था की, क्या ये लोग जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ये ध्यान रखना प्रज्ञा मैम, ये लोग 25-30 स्टॉक्स मैनेज, और एक टीम होती है जो दरअसल वो स्टॉक्स को मैनेज कर रही होती है, उनको रिव्यू कर रही होती है, उन्हें असेस कर रही होती है। आप अकेले हो तो थोड़ा देख के ही समझ के, आप आस्था के पास तो पूरी टीम होगी आई एम श्योर। खैर, इस नोट पर नविता मैम, प्रज्ञा मैम, जूली मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक।